हेलो गाइस, सो आज का जो है मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जो कि है हिल्टन मेटा इफेक्ट्स। ठीक है, सो इस ये जो है एक ट्रेडिंग ऐप है। मैं मुझे एक दोस्त ने रिकमेंड की थी, सो मैंने जब इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये एक स्कैम वेबसाइट है जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जो है ये पैसा कमाया जाता है। अगर आप इसमें से $100 जो है इन्वेस्ट करते हो, जो कि 31,000 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी, सो आपको जो है 10% मतलब $10 जो है ये अपने लिए रख लेते हैं और साथ में $90 जो है ये आपको बाकी अगर आप रिटर्न करना चाहें, अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप डिपॉजिट कर सकते हो। बाकी रोज़ाना के हिसाब से इसमें एक एक डॉलर आता है या दो दो डॉलर, तो तकरीबन जो है ये ओवरऑल जो है आपको रोज़ाना एक हफ़्ते या दो हफ्ते तक पैसे दे दे रहेंगे और उसके बाद आपका डिपॉजिट जो है अकाउंट बंद हो जाएगा। सो ये एक किस्म का स्कैम है जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जो है आपने लोगों को जोड़ना होता है और फिर उस जो सारे पैसे जाते हैं वो कंपनी की तरफ जाते हैं। मैंने YouTube पे जब इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो YouTube पे सारे मुझे जो है ये इन्हीं कंपनी के लीडर्स जो है वो मुझे नज़र आए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली जो है वो जाहिल होते हैं, जो कि आपको कन्विंस कर लेते हैं, जो कि ज़्यादातर टीनेजर बच्चे इन लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। ठीक है, या जो अर्ली 20s में होते हैं, जो कि ज़्यादातर मिडिल क्लास या एवरेज लोग होते हैं, इनको कन्विंस कर लेते हैं और इनके थ्रू जो है ये पैसे कमा लेते हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है, बराए मेहरबानी इसमें इन्वेस्ट ना करें कि आपके पैसे जो है ये ऐसे ही ज़ाया हो जाएंगे। इसके बजाय अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर ले तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकती है। और तो अगर आपका बिज़नेस फेल भी हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आप उसे सीख लोगे ना। यहाँ पे जो है आप जब पैसे डालते हो ट्रेडिंग में तो आपको जो है रोज़ाना के हिसाब से $1 मिलता है, लेकिन आपने अपना दिमाग नहीं लगाना। ये लोग क्लेम ये करते हैं कि AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड के थ्रू आपकी जो है ट्रेडिंग होती है, जो कि 99% रिजल्ट देती है, जो कि अभी तक ऐसा AI बना ही नहीं है जो कि आपको 99% रिज़ल्ट दे। ठीक है, सो ये सारा स्कैम है, बराए मेहरबानी इसको रिपोर्ट करें। और जितने भी लोग इसको फैला रहे, इसके जो पॉजिटिव इमेज को प्रेजेंट कर रहे हैं, बराए मेहरबानी उनको जो है रिपोर्ट करें, ठीक है, फेसबुक या यूट्यूब कम्युनिटी तक, ताकि जो है आप स्कैमर से बच सके। थैंक यू।